नमस्कार, मैं हूँ सारिका साहू। आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए पेश करते हैं हमारे विशेष संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत आज की जो ये वार्ता हो रही है हमारी, ये तीन अध्यादेशों के विरोध में है। सरकार मान नहीं रही है और हम किसान भाई मानेंगे नहीं। आजाद भारतीय किसान यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत कुमार पांडे, और 15 तारीख को जो निर्णय आना है सरकार और किसानों के बीच में, अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और इस बार सरकार हम लोगों को संभाल नहीं पाएगी, बहुत धोखे में जी रही है। किसानों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे 60 किसान अभी तक मर चुके हैं। एक मंत्री मरता है तो भारत देश का तिरंगा झंडा झुका दिया जाता है, और हमारे 60 किसान मर चुके हैं। सरकार की आंखों में पानी क्या मर गया है क्या? सरकार को इसके बारे में खूब सोचना चाहिए कि एक आदमी की कीमत क्या होती है। सरकार अभी तक के मौन धारण किए हुए है। सरकार को चुपचाप किसानों की बात मानना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, उस पर क्या विचार? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी न्याय जो जुडिशियल है हमारा, किसानों को जो देख रहा है वो शायद सही तरीके से देख रहा है। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, ये किसानों को बिल्कुल खरपतवार कीड़ा मकौड़ा समझे है। 60 आदमी मर चुका है अभी तक, और कितने मरने वाले हैं वहाँ पे, इतना पानी गिर रहा है, ओलावृष्टि होने वाली है, लेकिन सरकार की आंखों में कुछ भी जून नहीं रेंग रहा है। ये पता नहीं इसकी आंखों का पानी मर गया है। और हम चाहते हैं सरकार से कि जो भी ये भुगतान, गन्ना भुगतान को लेके जो ये आंकड़े सरकार दे रही है किसानों को, ये गलत दे रही है, और उनका भुगतान समय पे कराया जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो किसानों के लिए दिन प्रतिदिन दिन रात चिंतित और घोर अध्ययन किया करते हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया है और हम लोगों को आदेश दिया है कि यदि 15 तारीख को सरकार और किसानों के बीच में किसानों की वार्ता अच्छी तरीके से नहीं होती है, तो मैं युवा अध्यक्ष होने के नाते युवा टीम के साथ पूरी मैं दिल्ली कूच के लिए तैयार हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमको आदेश प्राप्त हो चुका है, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार किसान और सरकार में आर पार की लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। गफलत के दिन बीत गए, हम भी लड़ना सीख गए। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ये हमारा नारा होगा। और पूरी तरीके से हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली कूच करेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। सरकार केवल दो मुद्दे सरकार के पास हैं, या तो ये तीनों काले कानून वापस ले, नहीं तो 60 किसान मर चुके हैं और 6000 किसानों पर गोली चलवाने के लिए सरकार तैयार हो जाए, क्योंकि तानाशाही रवैया बहुत दिनों तक चल गया, अब ये तानाशाही रवैया चलने वाला नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, और अभी तक अध्यक्ष जी के आदेशानुसार जो इससे पूर्व चुनाव हुए उसमें हम लोगों ने पूर्ण रूप से कहीं पर भी बीजेपी का हम लोगों ने बहिष्कार नहीं किया, और लखनऊ के अंदर से 13,000 वोटों को आदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार अभी सांसदी में हम लोगों ने 13,000 वोटें माननीय राजनाथ सिंह जी को दिया था। वो वोटें इसलिए नहीं दिया था कि किसानों का शोषण हो, वो वोटें इसलिए नहीं दिया था कि किसानों के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट से ईंट बजाकर हम लोग शासन प्रशासन को हिलाने का कार्य करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो चुका है, और हमारे जो साथी तैयार बैठे हैं दिल्ली कूच के लिए, तो सरकार तैयार हो जाए अब गोलियां चलवाने के लिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि ये खेल न खेले, रबड़ की गोलियां न चलवाए, सीधे असली गोलियां चलवाए, 302 की असली 32 बोर की कारतूसें चलवाए, तो उनको ये पता चले किसानों का सीना कितना चौड़ा है। ये कहते थे मैं 32 इंच का सीना है, और मैं ये कहता हूं इनका 0 इंच का सीना है, 32 इंच का सीना किसान का है। ये गोली चलवाने के लिए तैयार हो, किसान गोली खाने के लिए तैयार है,
लठ डंडे से काम नहीं चलेगा, लाठी डंडा हमारा हथियार है। और यदि ये दोहरी नीति के चक्कर में लाठी चार्ज करवाएंगे तो अब किसान भी शांत रहने वाला नहीं है। अगर लाठी चार्ज होगा तो लाठी का जवाब लाठी देगी, नहीं तो यदि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं तो सीधे आर पार का खेल खेले, गोली चलवाएं। जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का दौरा भी कैंसिल हो गया, वहाँ हेलीपैड वगैरह उखाड़ दिए गए। भैया दौरा हर जगह का कैंसिल हो जाएगा, एक आदमी जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, एक आदमी मरता है उसके लिए तिरंगा झंडा और कितना अहम तेन का इंतजाम किया जाता है। हमारा जवान और किसान इनको दोनों मिट्टी भाव लग रहे हैं, ना जवानों की कोई मौत का जिम्मेदार है ना किसानों की कोई मौत का जिम्मेदार है। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, हमारे 60 किसान शहीद हुए, 60, एक दो नहीं, और कितने व्यक्ति शासन प्रशासन से हमारे किसानों के घर पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। यदि एक राजनेता साला मर जाता है तो भीड़ों की भीड़ लग जाती है, अच्छे अच्छे लोग वहां पहुंच जाते हैं, अच्छे अच्छे मंत्री छुट्टी हो जाती है एक दिन के लिए। हमारे एक दो नहीं 60 किसान शहीद हुए हैं, और मैं अब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष सम्मान करता हूं और उनसे हाथ जोड़कर यह करबद्ध निवेदन करता हूं कि किसानों के साथ अन्याय न करें, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगई नाश। तो ये अगर अपना नाश करना नहीं चाहते हैं तो जो इनके चाटुकार सलाहकार है उनको बदले। और दूसरा भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ये सरकार अपना तानाशाही रवैया बदले और किसान हर तरीके से तैयार हैं, ये सरकार का, सरकार के प्रतिनिधिकर्ताओं का सम्मान करते हैं। हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन हो गया, हमारे 60 किसान शहीद हो गए, हम लोगों ने कहीं भी कोई न तोड़फोड़ की न आगजनी की, हम लोग शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन जारी रखे हैं और जारी रखेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि वो किसानों की दशा, दयनीय दशा को देखते हुए अपना अति शीघ्र 15 तारीख तक अपना जो पक्ष है उसको रखकर किसानों के पक्ष में निर्णय लें, नहीं तो ईंट से ईंट बजेगी और सरकार हिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें, आपसे फिर से मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदित राज न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, जय हिंद जय।